राधे कृष्णा, चलिए मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देगी कि आपको क्रीम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। चलिए मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था, उनके हम एक क्लिप सुन लेते हैं। जी बताइए, पिगमेंटेशन कब से है आपको? सर मेरे को पिगमेंटेशन मेरा जब बेबी हुआ था, 5 साल का हो गया मेरा बेबी, जब से मेरे को चिक्स पे छोटा छोटा सा छोटे से स्पॉट्स आए थे तब, तो वो मैंने तब याद नहीं दिया, वो नॉर्मल से ही लग रहे थे। बट अभी 2 साल से मेरा थोड़ा बढ़ गया है वो। मैंने आपके जो नंबर है उस पर उसे मैंने पिक भी साइन किया अपनी उनको फेस की, तो मेरे मतलब ओवरऑल फेस पे तो नहीं है, बस चिक्स पे है मेरे, दोनों साइड के दोनों साइड में है। तो वो ना बढ़ रहा है, मतलब 1-1.5 साल से ना थोड़ा ज्यादा हो गया, वो बढ़ गया थोड़ा। जी 1-1.5 साल से बढ़ गया, ठीक है। पिगमेंटेशन के अलावा शरीर में क्या क्या परेशानी है आपको? पिगमेंटेशन के अलावा मुझे एसिडिटी बहुत है, मुझे खाना एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे मैं कुछ कुछ खा लेती ऐसी चीज तो मेरे को मतलब वही खचिड़कारी से आना और गैस बनती है, ये प्रॉब्लम। और कभी कभी सर पे दर्द रहता है, हमेशा नहीं, जैसे कभी के बार हो। महीने में कितनी बार होता है? महीने में तो बोल सकते हैं कि आधा महीना तो होता ही होगा, 10-12 दिन ऐसा हो सकता है, होता है। और शाम के टाइम ज्यादा होता है, मतलब सुबह उठ के भी हल्का, मतलब सुबह उठ के हूँ तो तब भी हल्का हल्का सर भारी लगता है सुबह उठती हूँ तो, और शाम के टाइम कभी कभी तो शाम के टाइम रहता है मुझे, फिर मैं मतलब कुछ भी ऐसी चीज पी लेती हूँ, जैसे माइंड ड्रॉप फ्रेश और कॉफी पी ली, चाय पी ली, उससे भी ठीक नहीं होता, फिर मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1 महीने में 15 दिन आपका, 15 दिन ना 10 दिन मान के चलो आप, 10 दिन 1 महीने में 10 दिन आपको अंदर रहता, ठीक है। तो जब दर्द आपके पीक पर होता है तो उल्टी तो वोमिट जैसा तो नहीं होता आपको? नहीं नहीं नहीं, वॉमिट वॉमिट कुछ नहीं होता, वो सर में ऐसा लगता है जैसे नसें फड़फड़ा रही है अंदर से ऐसे करके, तो फिर वो मैं मेडिसिन ले लेती हूँ तो उससे मेरे को आराम मिल जाता है। पहले तो मैं अवॉइड करती हूँ मेडिसिन लेना, मैं सोचती हूँ थोड़ी कॉफी पी लूँ, चाय पी लूँ, थोड़ा ठीक हो जाए, पर जब नहीं, कभी कभी तो हो जाता है उससे असर, सर फड़का लगने लगता है, जब नहीं होता है फिर मेरे को मजबूरी मेडिसिन लेनी पड़ती है। ठीक है, कमर दर्द, सर में दर्द, सर में दर्द तो बता दिया, कमर दर्द, गर्दन दर्द तो नहीं होता आपको? नहीं नहीं नहीं, और कुछ नहीं, और बॉडी में मतलब और कहीं भी ऐसा पेन नहीं है, जैसे पैर में दर्द, सर में दर्द, इतने कमर दर्द और बॉडी में कोई पेन नहीं। तो मेन मेरा ये डाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो क्योंकि 2-3 महीने के अंदर अंदर। अभी बताइए पीरियड कैसे होते हैं आपको? पीरियड्स मेरे को टाइम टू टाइम होते हैं, 1-2 दिन डिले हो जाता है, बट 1-2 दिन वैसे मेरा कभी ऐसा नहीं है कि पीरियड रुके, पीरियड टाइम से होते हैं। भूख प्यास कैसी है आपकी? हाँ जी, भूख और प्यास कैसी है आपकी? भूख प्यास ठीक है, भूख लगती है, प्यास, हाँ प्यास भी, पानी भी पी लेती हूँ मैं अभी, मतलब मन नहीं करता पानी पीने का तो सर पी लेती हूँ, जबरदस्ती पी लेती हूँ, 1-1.5 लीटर पी लेती हूँ। पेट ठीक से क्लीन हो रहा है आपका? हाँ पेट, अभी ना मैंने वो भी स्टार्ट किया है, एनीमा बोलते हैं ना, एनीमा, हाँ उससे भी, क्योंकि मेरे को बीच में प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ा ना, पेट से इसे साफ नहीं हो रहा था, बट अब हो जा रहा है। यूरिन ठीक है? हाँ यूरिन भी ठीक है। नींद सही आ रही है आपको? नींद नहीं आती मुझे रात में, कम लेट आती है, मतलब 1-1.5 बजे तक मुझे नींद नहीं आती रात को। हाँ 1-1.5 बजे तक मुझे नींद नहीं आती, कभी कभी तो मुझे वो सिरप होती है ना बच्चों की सिरप, वो पी लेती हूँ मैं 1 ढक्कन नींद के लिए, कि उसमें थोड़ा वो होता है ना, तो उसे नींद से आने लगती है, कभी उससे ऐसे हो जाता है। और सुबह नींद खुलती नहीं है, 10 बजे तक सुबह 11 मिल जाती है। ठीक है, जब आप धूप में रहते हैं तो अगर आप कभी धूप में निकले तो स्किन रेड तो नहीं होती आपकी? सर मैंने ना बीच में वो ट्राइलुमा वगैरह भी एक वो है क्रीम्स वगैरह, वो मैंने लगा ली थी 1-2 महीने के लिए, मैंने कंटिन्यू लगाई तो मेरी पिगमेंटेशन बहुत लाइट हो गई थी, हद तक लाइट, मुझे लगा चली जाएंगे, मतलब दिखती नहीं थी वो, बहुत ऐसे हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी तुम 3 महीने पूरा कंप्लीट करो, मैंने 3 महीने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद जैसे मैंने वो छोड़ी धीरे 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 धीरे, फिर वापस उसी कंडीशन में आ गई, उससे थोड़ा ज्यादा ही हो गई, मतलब पहले जितनी थी
थोड़ा उससे ज्यादा ही हो गई, और उस टाइम मेरा उसके बाद मेरा फेस ना बहुत रेड होने लगा, बहुत जलन, मतलब बाहर जाओ तो सनस्क्रीन की पूरी लेयर लगा ली। अगर मैं छत में भी जा रही हूँ ना किसी काम से कपड़े लेने, तो भी मैं सनस्क्रीन की लेयर लगा देती, बाहर से कवर करती थी फेस को। फिर अभी मैंने वो छोड़ दी है, फिर आपने जो घी बताया था फिर अभी हो गया होगा, फिर 15 दिन पहले यूज किया था, फिर उसके बाद मेरे कुछ प्रॉब्लम थी वजह से नहीं किया था, फिर अभी मैं 10-15 दिन से यूज कर रही हूँ, तो घी से मुझे बहुत आराम है उससे, मतलब फेस पे ना मैं जैसे बाहर जाती हूँ तो मुझे वो रेडनेस इचिंग वो चीज नहीं होती है। और बाकी मैं आपने जो लार बताई थी कोकोनट वाली, वो भी मैं डेली लगा रही हूँ, सुबह उसको करके लगा रही हूँ अभी, और 4-5 दिन से जो नीम वाला आपने बताया था वो जूस भी दे रही हूँ। चीजें आप उन्होंने बताई थी वो सारी मैंने 2-3 महीने मैंने सारी फॉलो की थी, वो उससे मेरी बढ़ गई थी, फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए सबसे मुख्य चीज तो आपको ट्रीटमेंट करने से, मतलब पिगमेंटेशन को ठीक करने से पहले आपको अपने शरीर के अंदर 2-3 चीजें ठीक करनी है। सबसे पहले तो आपका एसिडिटी, इंडाइजेशन, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो, सर का दर्द है वो, पहले आपकी ये चीजें ठीक होंगी, क्योंकि आपके पित्त की इम्बेलेंस की निशानियां हैं, है ना, आपके शरीर के अंदर पित्त इम्बेलेंस है, इसलिए आपका एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और आपका सर का दर्द है। ठीक, जब आपका सर का दर्द तो ना बराबर है, मेन मेरा डाइजेशन का है प्रॉब्लम, जो भी है वो आपका जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपकी जो स्किन सेंसिटिव हो रही है, जैसे कि आपको अंतर पड़ रहा है उसमें, ठीक हाँ, लेकिन जो ये उतनी भी सेंसिटिविटी स्किन पर रहनी नहीं चाहिए, अगर आप धूप में निकलते हैं तो धूप में आपका चेहरा जाके जलन नहीं होना चाहिए, बर्निंग होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मतलब मेरे को वो क्रीम छोड़े हुए 2 महीने से ऊपर हो गया, अभी मेरे को थोड़ा कम प्रॉब्लम होती है, वैसे मैं बहुत कम निकलती हूँ बाहर, अगर बाई चांस कभी निकलना पड़े किसी काम से तो अभी उतनी नहीं प्रॉब्लम हो रही। स्टार्टिंग में जब मैंने छोड़ा था मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, मन नहीं करता था बाहर निकलने का। तो देखिए आपको सिंपल, केवल आपको सिंपल इतना करना है, करना ये है आपको कि एक तो अपने कोलेजन पर ध्यान दीजिए। हाँ जी सर, एक तो आपको अपना कोलेजन बूस्ट करना है। हाँ जी, कोलेजन बूस्ट के लिए हमने आपको बताया था कि विटामिन सी और पनीर, इन दो चीजों का। सर मैं ना विटामिन सी की जो ये है लिंसी वाली, तो आपको जानकारी बहुत अच्छे से मिल रही होगी कि क्रीम हमारे लिए सुटेबल नहीं है। देखिए इन्होंने कहा कि इन्होंने क्रीम का एक पूरा सेट लगाया था, ठीक है, जिन्होंने भी इनको सजेस्ट किया उन्होंने बहुत अच्छे से अपने चेहरे पर क्रीम लगाया और 3 महीने के अंदर अंदर लगभग पूरी पूरी पिगमेंटेशन इनकी क्लियर हो गई, है ना, ये बहुत खुश, क्योंकि 3 महीने में के अंदर पूरी पूरी इनकी क्लियर हो गई। लेकिन हम पिछले 4 साल से लगातार आपको यही चीज़ कहते हुए चले आ रहे हैं कि भैया क्रीम मत लगाइए, क्रीम कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, और दूसरा यदि आप क्रीम लगाते हैं तो चेहरा आपका ख़राब हो जाएगा। इनके साथ में भी सेम वैसे ही हुआ, इन्होंने 3 महीने क्रीम लगाई, 3 महीने का क्रीम से बहुत चेहरा एकदम एकदम परफेक्ट हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे इन्होंने उसको छोड़ना चाहा वैसे वैसे करके इनका चेहरा और ज़्यादा ख़राब और ज़्यादा रेड हो गया। तो इनको ये समझते देर ना लगी कि हाँ भाई ठीक है, ये तो चीज़ें बहुत नुकसानदायक है। अब आप में से कई लोग जो कि पिगमेंटेशन से बहुत परेशान हैं, आप लोग भी कई बार स्टेरॉइड क्रीम लगा के देख चुके हैं, है ना, मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को 1 साल से पिगमेंटेशन है ना, तो 1 साल के अंदर अंदर वो क्रीम लगा के देख चुका होता है और उसको इतनी चीज़ तो समझ में आ जाती है कि भैया क्रीम से ये सही होगा नहीं। लेकिन फिर भी आज के टाइम में भी लोग ऐसे ही गलती करते हैं कि क्रीम लगा लेते हैं और उनका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है, जैसे कि इनको भुगतना पड़ा। लेकिन हमारा लक ये है कि शुद्ध देसी घी, वो भी गाय का, देसी गाय का उपलब्ध होता है हर किसी के घर में भारत के अंदर, तो वो जब अपने खराब चेहरे पर लगाते हैं तो उससे जो नुकसान होता है चेहरे पर उसकी भरपाई हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि भरपाई बहुत देर में आपके चेहरे पर हो और उतना चेहरा आपका ख़राब हो जाए। तो
तो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप केवल नेचुरल सोर्सेस पे ध्यान दीजिए कि नेचुरल सोर्सेस से मैं अपने चेहरे को कैसे ठीक कर सकता हूँ। ये आपका चेहरा है, ये किसी और का चेहरा नहीं है, ठीक है। ये मेरा भी चेहरा नहीं है, ये मेरे पड़ोसी का भी चेहरा नहीं है, केवल आपका चेहरा है। तो आपने सोचना है इसके भले के लिए कि आपको क्या करना है। देखो दुनिया तो अब जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेरॉइड क्रीम है ना, जैसे मान लीजिए एल्सोन एसटी है, या कोई भी ए टू जेड, कोई भी मेलाज हो गया है ना, या कोई भी क्रीम है ए टू जेड कोई भी, तो ये तो कंपनियां देखो भाई इनको तो ये चाहिए है ना, ये तो आपको क्रीम देंगी, ये तो आपको आदि बना देंगी। पता है क्या करेंगे आप, ये करेंगे ये कि जब तक आप इनको लगा रहे हो तब तक आप ठीक हैं, उसके बाद में जैसे आप इनको छोड़ने की कोशिश करते हो आपका चेहरा खराब हो जाता है। सेम चीज़ वही होगी ना, जैसे कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता है, उसको ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई, अब जब तक वो लेता है तब तक ठीक है, जब वो नहीं लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, ठीक है ना, मतलब कि उसकी लत पड़ गई। इसी तरीके से ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, ये लीगल तरीके से आपको लत पड़वा देती हैं। वो तो इलीगल है ड्रग्स लेना, है ना, लेकिन लत तो कई तरीके की होती है ना, वो ड्रग्स लेने की लत भी गलत है ना, वो आपका जीवन बर्बाद कर देती है। और ये जो क्रीम लगाने की लत है, ये आपका सुकून ख़त्म कर देती है, ये जो शांति यहाँ पर मिलती है ना उसको ख़त्म कर देती है, आपको डिप्रेशन में ले जाती है इसकी लत। और ये चीज़ ऐसी है कि आप इससे कभी उभर ही नहीं पाते, आप दुनिया से कट जाते हैं, आप अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लेते हैं। तो ऐसा किसी भी भाई या बहन के साथ में ना हो, तो दुनिया में जितनी भी स्टेरॉइड क्रीम हैं आप उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। वो चाहे कोई भी दे रहा हो आपको, वो चाहे कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हो, चाहे कोई मेडिकल वाला हो, मत लगाना आप, ठीक है। अगर आपने कुछ करना ही है तो मेरी वीडियो सब देखिए, ठीक है, या फिर अगर कोई आपको डाइट सजेस्ट कर रहा है तो उसकी आप वीडियो जाके देखिए, ठीक है। मतलब जो नेचुरल तरीके से आपको आपके चेहरे को ठीक करने के लिए बोल रहा है, केवल आप उन पे जाएं। मैं तो ये कहूँगा कि ना तो आप आयुर्वेदिक क्रीम लगाएं, ना आप होम्योपैथिक क्रीम लगाएं, केवल अगर लगाना है तो गाय का शुद्ध देसी घी अपने चेहरे पर लगाएं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मान लीजिए अगर किसी को 10 साल से भी पिगमेंटेशन है ना, तो भाई अगर वो कोई चीज़ करने की सोच रहा है, जैसे मान लीजिए अगर किसी को 10 साल से पिगमेंटेशन है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि चलो मैं ये डाइट फॉलो कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि 10 साल है ना, अब 1 साल के लिए 1 महीना निकाल लो आप, है ना, 1 साल इज इक्वल टू 1 महीना, तो 1 साल के लिए 1 महीना निकालो, तो 10 साल से आपको उम्र है, तो 10 साल के लिए निकालो 10 महीने आप कम से कम, तो 10 महीने तो आप चेहरे की तरफ देखना मत कि मुझे क्या असर पड़ रहा है चेहरे पर, 10 महीने के बाद जाके कहना कि हाँ कि ये अब अच्छा हो गया, अच्छा ये ठीक हो गया, और वो ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि फिर आपने ना उसकी चिंता करनी छोड़ दी, समझ गए ना आप। 5 साल से पिगमेंटेशन है तो 5 महीने निकालो, 10 साल से पिगमेंटेशन है तो 10 महीने निकालो, उससे पहले नहीं देखना, और ना उससे पहले शिकायत करनी है आपको कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा मेरा। नेचुरल तरीके से ठीक करना है, सही तरीके से ठीक करना है, वेट एंड वॉच करना होगा आपको, ठीक है। और जिसका भी स्टेरॉइड से चेहरा खराब हुआ है या उनका चेहरा लाल हुआ है, वो नीचे आके कमेंट करें कि ये चीज़ हुई है मेरे साथ में, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी डॉक्टर का नाम लिए, और बिना किसी क्रीम का नाम लिए। आपने किसी का भी नाम नहीं लेना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर कोई कमेंट बॉक्स में किसी का नाम लेता है तो फिर मैं वो कमेंट नहीं मैं उस कमेंट को डिलीट कर दूंगा, प्लीज़, ठीक है। तो केवल आपने इतना लिखना कि हाँ मेरा स्टेरॉइड से मेरा चेहरा ख़राब हुआ, ओके। क्योंकि मैं देखिए अपना कमेंट सेक्शन बिल्कुल क्लीन रखना चाहता हूँ, मैं किसी भी तरह का कोई भी मतलब मिसबिहेवियर नहीं चाहता उसमें, क्योंकि मैं देखता हूँ कमेंट, सपने में कमेंट्स रीड करता हूँ। आप लोग समझते हैं कि मैं कमेंट रीड नहीं करता आपके, मैं सभी के लगभग लगभग कमेंट यहाँ पर रीड करता हूँ, ठीक है ना। और मुझे पता है कि कुछ मिसबिहेविंग वाले कमेंट भी आते हैं यहाँ पर, तो देखिए प्लीज़, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है ये सारी चीज़ें करने के लिए, ओके। चलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।